नमस्कार दोस्तों, मोटर एंड मशीन में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं दो मैकेनिक की सर्विस के लिए, जो आया है कारगिल पेट्रोल के पास अहमदाबाद के अंदर। और ये जो है एक तरफ का रास्ता है, वो जा रहा है सरखेज की ओर, और ये वैष्णो देवी सर्कल की तरफ से आप आ रहे हो, वो वाला रास्ता है। और डिवाइन ऑटो गैस काफ़ी फेमस जगह है, उसके पास ही है ये डिवाइन ऑटो केयर, जो दो मैकेनिक की सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है, और ये जो भाई बैठे हैं वो गो मैकेनिक का रिसेप्शन है, और इस तरीके का कुछ एयर पार्ट्स का स्टोर है, मतलब स्टॉक जो है रखा गया है। हर एक तरीके के गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है रेगुलर, जैसे कि स्पार्क प्लग हो गए, एयर फिल्टर है, और ये उनका वेटिंग रूम है। आपकी गाड़ी सर्विस होने तक आप यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से। एसी टीवी वगैरह सर्विस दिया है, आप आराम से 4 से 5 घंटे अगर आप खुद आ रहे हो यहाँ पर सर्विस के लिए, तो आप वेटिंग रूम में वेटिंग कर सकते हो आपकी गाड़ी सर्विस होने तक। दो मैकेनिक के अंदर हर तरह की कंपनी की गाड़ी सर्विस की जाती है, चाहे मारुति की अल्टो हो या फिर BMW हो। सभी गाड़ी की सर्विस किफ़ायती दाम में करवा सकते हो, पेट्रोल हो, CNG हो, डीजल कार हो, सभी तरह की कार यहाँ पर सर्विस की जाती है। मैंने जिस दिन विजिट किया, यहाँ पर BMW भी थी, एक डस्टर भी आई हुई थी, साथ में जो है i10 ग्रांड i10 उसकी भी सर्विस चल रही थी, और मेरी गाड़ी जो है अभी आएगी, अब मेरी गाड़ी जो है आ चुकी है। यहाँ पर कुछ भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, सारा प्रोसेस एप्लीकेशन के थ्रू ही वो लोग करते हैं, जैसे कि जॉब कार्ड बनाना, कौन सा पैकेज आप चूज़ कर रहे हो, उसके अलावा सारा प्रोसेस जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, उसी तरीके से उनके पास मैकेनिक के पास रहता है पूरा प्रोसेस, और वो लोग पूरा प्रोसेस करके आपका जॉब कार्ड बना देते हैं। तो काफ़ी ईजी ऑफ वे है, और उसका SMS भी आपको आपके मोबाइल पर आ जाता है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो, तो आपके पैकेज में क्या क्या काम हो रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। अभी मेरी गाड़ी जो है ऊपर हो रही है, मैंने चेक करवाने के लिए बोला था कि मेरे सस्पेंशन सारे जो है चेक करो, तो उस तरीके से उनके जो मैकेनिक है प्रोफेशनल रहते हैं सारे, ये जो अभी देख पा रहे हो ये कम्प्लीटली चेक कर रहे हैं कि सस्पेंशन में कोई फॉल्ट है या कोई वीक है, वो सारा तरीके से चेक किया जाता है। ये फ्रंट वाले जो है चेक किया जाता है, ये एक्सल है, हर एक पार्ट को बारीकी से चेक किया जाता है। और दो मैकेनिक के सारे जो है एक्सपीरियंस मैकेनिक है, अभी मेरे पीछे के सॉकर्स के बूश की कंडीशन भी वो मुझे भी दिखा रहे हैं कि इस तरीके का बूश होता है, अभी उसकी कंडीशन अच्छी है, तो कोई भी आवाज़ और वगैरह नहीं कर रहा है, तो अभी आपके सस्पेंशन जो है कम्प्लीट है, तो कोई वर्क की ज़रूरत नहीं है। और करीबन मेरी गाड़ी जो है 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसके लिए मैंने चेक करवाने के लिए बोला था। सस्पेंशन चेकअप करने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं जहां पर ये चेक किया जाता है। मैंने मैकेनिक से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें बूश रहते हैं, फिर लोअर आर्म रहते हैं फ्रंट में, शॉकर्स रहते हैं, स्प्रिंग्स रहती है, तो सभी तरीके के पार्ट जुड़ने के बाद एक सस्पेंसर बना जाता है, तो इस तरीके से वो मुझे भी गाइड कर रहे थे ताकि मेरे पूछने पर, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा भी। ये सारे बूश मुझे जो है दिखा रहे, और साथ में मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल भी जो है चेंज हो रहा है, ये पुराना इंजन ऑयल वो निकाल रहे हैं, और उसी के साथ ये जो है कम्प्लीटली पुराना ऑयल की कंडीशन आप देख सकते हो, और साथ में ऑयल फिल्टर भी वो लोग बदलने वाला है, ये ऑयल फिल्टर ओपन हो रहा है, ये पुराना ऑयल फिल्टर है जहाँ से ये निकाल कर नया चेंज कर देंगे, इंस्टॉल किया जाएगा नया ऑयल फिल्टर जो मेरे पैकेज के अंदर शामिल है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है अपनी आंखों के सामने कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा अपने लिए भी। ये मेरा पुराना इंजन ऑयल की हालत आप देख सकते हो, इस तरीके का इंजन ऑयल निकला हुआ है, और साथ में ये ऑयल फिल्टर है जो पुराना है, और ये नया जो है स्टैंडर्ड ऑयल फिल्टर इंसर्ट करने वाला है। ये मेरे पैकेज के अंदर ही है, जो स्टैंडर्ड पैकेज मैंने चूज़ किया है उसके अंदर से ये ऑयल फिल्टर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज के अंदर ही रहेगा। तो आप दोनों की कंडीशन देख सकते हो, पुराना और नया ऑयल फिल्टर की।
आप कोई भी जगह पर सर्विस करवाते हो लेकिन ऑयल फिल्टर जरूर से चेंज करवाएगा इंजन ऑयल बदलने पर। मैंने जो पैकेज लिया है वो स्टैंडर्ड सर्विस का पैकेज लिया है। इस पैकेज के अंदर इंक्लूडिंग है इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट किया जाता है, ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट किया जाएगा, एयर फिल्टर भी रिप्लेसमेंट किया जाएगा और फ्यूल फिल्टर को चेक किया जाता है, कूलेंट टॉप अप किया जाता है 200 ml तक, स्पार्क प्लग चेक किए जाते हैं, ब्रेक फ्लूइड टॉप अप किया जाता है, बैटरी वाटर टॉप अप किया जाता है, वाइपर फ्लूइड जो है वो रिप्लेसमेंट मतलब इंक्लूड किया जाता है और कार वॉश इंटीरियर वैक्यूम के साथ किया जाता है और साथ में फ्रंट एंड रियर ब्रेक को जो है सर्विस किया जाता है, ब्रेक पैड को जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर जैसे ये क्लीन किया जा रहा है। ये रियर व्हील का जो है ब्रेक पैड है इसको घिसाई करके जो सरफेस है उसको क्लीन किया जाता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको निकाला जाता है और ये ब्रेक क्लीनर है जिसे ब्रेक क्लीनर का उपयोग ये होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं तो उसको क्लीन किया जाए। आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली ब्रेक क्लीनर इस तरीके का रहता है, तो सेम आगे पीछे सभी ब्रेक पैड पे इस तरीके के यूज़ किया जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि सब मैकेनिक जो है वो साथ में काम करते हैं, एक तरफ ये भाई कर रहे हैं दूसरी तरफ पीछे के टायर पे दूसरे भाई व्हील सर्विस कर रहे हैं ताकि अपनी गाड़ी को जो टाइम पे सर्विस का जो टाइम दिया है डिलीवरी का उस टाइम पे ये डिलीवरी कर पाए। ये ड्रम को भी इस तरीके के ही क्लीन करते हैं, आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर जो सरफेस को जो है रफ पेपर से घिसने के बाद उसको स्प्रे किया जा रहा है। गो मैकेनिक में जो भी क्लीनर यूज किया जाता है सभी तरह के ये स्टैंडर्ड रहेंगे और सारे गो मैकेनिक के ही रहेंगे। और ये नदीम भाई है जो गो मैकेनिक के हमारी गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं और रिपेयर इन द सेंस सर्विस कर रहे हैं और ये अभी देख पा रहे हो ये घिसाई कर रहे हैं आगे के ब्रेक शू है ये जिसके सरफेस को क्लीन किया जा रहा है। ऑलमोस्ट अभी जो है इसको स्प्रे करने के बाद हमारा जो वर्क यानी ब्रेक का जो काम है वो फिनिश हो रहा है। ये आपको सरफेस दिखा रहे हैं किस तरीके की डिसाई होने के बाद सरफेस हो रही है और ये देख पा रहे हो कितना सारा ब्रेक यूज किया जा रहा है। अभी आगे के ब्रेक शू है वो रेडी हो गए हैं कंप्लीट क्लीन होने के बाद फिटिंग के लिए, तो अभी ये नदीम भाई जो है फिटिंग कर रहे हैं। इस तरीके के चारों के चारों टायर को इस तरीके से चेक करने के बाद फिटिंग किया गया है ताकि अपनी ब्रेक जो है अच्छी तरीके से काम करे। और अभी जो है एयर फिल्टर को चेंज किया जा रहा है। हाँ, मैंने इस पैकेज के अंदर अलग से टोटल बॉडी क्लीन का जो है पैकेज लिया हुआ है जिसका करीबन चार्जेस 500 या 600 रुपये के अराउंडिंग है। और ये मेरा पुराना एयर फिल्टर आप देख सकते हो कैसा चौकअप हुआ है और इसमें जो एयर फिल्टर है वो मैकेनिक जो देता है वो हेला कंपनी का है, जर्मन ब्रांड है, तो उसका ये एयर फिल्टर रिप्लेस किया जाता है वो मैकेनिक की तरफ से। एयर फिल्टर में ज़्यादातर क्वालिटी जो है पेपर की ही होती है, जिसका पेपर अच्छा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी और सभी पार्ट जेन्युइन यूज किए जाते हैं। टोटल बॉडी को क्लीन करने का वीडियो इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया है, ये अभी जस्ट स्प्रे कर रहे वो ही मैंने आपको दिखाया है। और स्प्रे मारने के बाद जो है एयर फिल्टर है उसको फिट किया जा रहा है, नया एयर फिल्टर जो अपना हेला का है वही लगाया गया है। और ये पॉइंट्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से नोट किया है गो मैकेनिक के, तो बैटरी पानी को चेकअप करना हर एक सर्विस पे बैटरी पानी को चेकअप करना ज़रूरी है ताकि अपनी बैटरी में पानी अगर कम है तो उसको टॉपअप किया जाए और उससे उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स काफ़ी इन्होंने नोट डाउन किए हुए हैं, अगर आप बाहर से सर्विस करते हो तो ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, खाली ऑयल फिल्टर चेंज करके आपको गाड़ी दी जाती है। कूलेंट भी टॉपअप किया जाएगा, ये कम्प्लीटली कूलेंट टॉपअप किया जाता है, 200 ml तक का प्रोविजनल दिया जाता है, उससे अगर ज़्यादा है तो चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। और उसके बाद जो अपने लेवल भी देख लेंगे कि हमारा जो डब्बे में के अंदर लेवल दिखाता है मैक्सिमम लेवल वो मैं आपको दिखा देता हूँ कूलेंट टॉपअप होने के बाद। तो ये मैक्सिमम लेवल है ऊपर वाला,
उसी तरीके से जो है फ्लूड भी टॉप अप किया जाएगा, ब्रेक फ्लूड या क्लच फ्लूड दोनों एक ही अंदर आता है, इसको भी टॉप अप किया जाता है। ये मेरा एसी का फिल्टर है जो थोड़े दिन पहले ही मैंने उसको बदला था, तो भी काफी गंदगी आ चुकी है, तो मैं उसको अभी रिप्लेस तो नहीं करवा रहा हूँ, उसको खाली क्लीन करके वापस एसी को ही फिट करवा दूंगा। मैं बता देता हूँ आपको क्लीन होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसी को ही वापस अपने फिट करेंगे। अभी जो देख रहे हो ये वॉशर फ्लूड है, मतलब जो वाइपर के ऊपर चलता है, ये शैम्पू है, और शैम्पू के बाद इस पर वाटर फिल किया जाएगा ताकि, और ये भी स्टैंडर्ड ही है, आप देख पा रहे होंगे। अभी वॉशर के अंदर जो शैम्पू डाला है उसके अंदर ये वाटर डाल रहे हैं ताकि अपना जो वॉशर है वो अच्छी तरीके से काम करे फिर शैम्पू के साथ। मैंने जो पैकेज लिया है उसके अंदर प्लग को भी क्लीन किया जाता है, और जो लग रहा है कि बदलना जैसा है उसको चार्जेबल बेसिस पे बदल भी लिया जाता है। अभी आप देख पा रहे हो ये ओपन कर रहे हैं अपने प्लग को, इसके अंदर चार प्लग आते हैं, तो ये मेरी गाड़ी सीएनजी पे चल रही है तो उसको चेक करना काफी जरूरी है। देखते हैं अभी ओपन होने के बाद किस तरीके के प्लग निकल के आते हैं सीएनजी पे चलने के बाद भी। आप देख पा रहे हो किस तरीके का प्लग है, और ये उसका स्पार्क कॉइल बोलते हैं जहाँ से सप्लाई उसको प्लग तक पहुँचता है, ब्लैक वाली जो दिख रही है स्पार्क कॉइल है, और ये प्लग है। और मैकेनिक से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसी को क्लीन करके वापस फिट कर देंगे। अभी इसको केमिकल के साथ क्लीन करके वापस उसी को ही फिट कर देंगे। ये केमिकल है कंप्लीट क्लीनिंग के लिए। गो मैकेनिक के अंदर मोबिल का ही ऑयल यूज होता है, चाहे सिंथेटिक हो या रेगुलर हो। मेरे पैकेज के अंदर ये ऑयल ग्रेड था 5W30 जो रेगुलर है, और इनके पास पूरा ड्रम ही रहता है इस तरीके का, जिसमें से ये निकाल के गाड़ी के अनुसार फिलअप किया जाता है, जितने भी ml हो, 3.5 लीटर 3 लीटर गाड़ी के अनुसार वो ये लोग इसमें से फिल करते हैं। अभी ऑयल चेंज करने के बाद अपनी गाड़ी जो है फाइनल स्टेज पे आ रही है, ये आ गई है फाइनल स्टेज के अंदर जहाँ पर गाड़ी वॉश हो रही है, फॉर्म वॉश की जा रही है। फॉर्म वॉश से पहले गाड़ी को अंदर से इंटीरियर क्लीन किया गया है नॉर्मल वैक्यूम, और अभी उसके बाद रेगुलर पानी से बाहर से वॉश किया गया था, और ये फॉर्म वॉश है अभी फाइनल सेकेंड स्टेज यानी फॉर्म वॉश से किया जा रहा है, उसके बाद फिर से रेगुलर पानी से वॉश करके क्लीन किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके की फॉर्म वॉश की जा रही है, और ये भी पैकेज के अंदर ही शामिल है। ये सारा काम होने के अंदर करीबन 5 घंटे गए हैं, पर एक अच्छी चीज़ है कि बिना कुछ झिकझिक के 5 घंटे में आपकी गाड़ी सर्विस होके रेडी हो जाती है। ये ऑलमोस्ट जो है क्लीन करने के बाद मेरे को मिल जाएगी डिलीवरी, और करीबन जो मेरा एक्सपेंस आया हुआ है, खर्चा जो बोलते हैं सर्विस का, वो 4500 रुपये के अराउंडिंग हुआ है। और अभी ये गाड़ी जो है रेडी हो चुकी है डिलीवरी के लिए, और मैं तो खुद ही आया हूँ गो मैकेनिक पर क्योंकि मुझे जानना था किस तरीके की सर्विस की जाती है, ताकि ये बात मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और बाकी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो एप्लीकेशन से या कॉल करके अपनी सर्विस को, ताकि गाड़ी को पिकअप किया जाएगा आपके घर से या ऑफिस से, और वो भी बिना कोई चार्जेस के, एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई भी नहीं ली जाती है, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है गो मैकेनिक की तरफ से, और साथ में सेफ्टी पे भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो आप देख पा रहे होंगे सर्विस जो है मैंने करवाई थी मई 2022 में, फिर भी कोविड का पूरा ध्यान रखा गया है सर्विस के भीतर। बाकी मेरा पूरा अनुभव अच्छा रहा गो मैकेनिक से, और इसके अगले पार्ट में देखेंगे और बात करेंगे गो मैकेनिक के सीनियर मैकेनिक से, और पैकेज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद मोटर एंड मशीन के साथ जुड़ने के लिए, ऐसे ही मेरे वीडियो देखा करिए, और मेरी चैनल मोटर एंड मशीन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।